नेक्स्ट है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप से ना आप इस सेल का फॉर्मेट सेट कर सकते हो कि आपको इस सेल में क्या चाहिए। जैसे देखो मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं आपको कभी बड़ा नंबर लिखता हूँ ऐसे करके और एंटर करूँगा, चेंज हो गया, 1/4 लिखना मेरे को, एंटर किया चेंज हो गया, 001 लिखना है, एंटर किया 00 गायब हो गया, +91 लिखा, 4 लिखा और एंटर किया, प्लस हट गया है ना। मैं कुछ और लिख रहा हूँ मगर कुछ और आ रहा है। इसको ना आप यहाँ से सेट करोगे, इसमें से यहाँ पे आप बताओगे कि आपको अपने सेल में क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको लोगे। जैसे मान लो आपको डेट चाहिए तो आप डेट लोगे, करेंसी का कोई सिंबल चाहिए तो करेंसी लोगे। सबसे पहले है जनरल, ये नॉर्मल करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर ना नंबर चाहिए, तो पहले सेलेक्ट करो, यहाँ से जाओ नंबर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे ना, देखो ये नंबर फॉर्मेट में हो गया है। जैसे मैंने लिखा 12, एंटर करोगे, नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक 0 आएगी, ठीक है। अब कोई भी नंबर आप लिखो, डेसिमल के बाद 2 जीरो आएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख देते जैसे 136.35, एंटर करोगे ये भी ले लेगा। अब मान लो आपने ना डेसिमल के बाद 3 डिजिट डाल दिया, यहाँ पे एंटर करोगे सिर्फ 2 ही आएंगे, ठीक है। ये राउंड ऑफ कर देता है, जैसे मैंने आप पे 365 डाला, इसने 5 को हटा के यहाँ पे 7 कर दिया, हाँ राउंड ऑफ कर देगा। मान लो मेरे को 3 डिजिट चाहिए यहाँ पर, तो क्या करोगे, यहाँ इस पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ से आप डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे 3 है अभी, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप इसको घटा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मेरे को चाहिए, मैंने 45 लिखा, फिर यहाँ पे बहुत सारे डिजिट लिख दिए डेसिमल के बाद, 2 ही आई, मेरे को ज़्यादा चाहिए, आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर दो। अब आगे मैंने कुछ नहीं लिखा ना, तो वहाँ पर 00 आता रहेगा, और डिक्रीज करने के लिए आप यहाँ से इसको डिक्रीज करोगे, ठीक है। कई बार हमें ना डेसिमल के बाद 0 नहीं चाहिए होती है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिक्रीज कर देना, 0 हट जाएगी और ये जो कन्वर्ट होगा ना नंबर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब मान लो पहले से 0 में है, ऐसे करके आपको नॉर्मल करना है, ऐसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ से जाके जनरल कर दो इसको। नेक्स्ट इसके बाद करेंसी और अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ना डॉलर का सिंबल आता है, जैसे इतने में मैं अप्लाई कर देता हूँ करेंसी को, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ डॉलर इसको, अकाउंटिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा ना, जैसे 45 लिखा और एंटर किया, ऐसे डॉलर का सिंबल आएगा और डेसिमल के बाद 2 जीरो आएगी। ऐसे यहाँ पे भी मैं कुछ टाइप करूँगा तो डॉलर का सिंबल आएगा और डेसिमल के बाद 2 जीरो आएगी। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, करेंसी में ना अमाउंट के साथ डॉलर का सिंबल दिखाई देगा, और अकाउंटिंग में पहले डॉलर फिर बीच में स्पेस होगा और फिर अमाउंट होगा। जो डॉलर का सिंबल होगा ना वो लेफ्ट साइड में होगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा $0.00, यहाँ पे 0 को कुछ ऐसे लिखते हैं काउंटिंग डैश करके, मतलब खाली छोड़ देते उसको। नेक्स्ट इसके बाद शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। जैसे हम डेट डालते हैं, मैंने डाल दी 1/4/24, एंटर किया, ये हमारी शॉर्ट डेट है, देखो अपने आप इसने डेट में कर दिया, ठीक है। इसका लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना, लॉन्ग डेट पर क्लिक कर, लॉन्ग डेट आ गई, हाँ शॉर्ट डेट में करना दोबारा से इस पर क्लिक करके शॉर्ट डेट में आ जाएगी। नेक्स्ट है टाइम। आप ना टाइम, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे कोई टाइम वगैरह डालना है, तो आप सिलेक्ट करके इसको टाइम में कन्वर्ट कर दो। अब इसके बाद यहाँ पे अगर डालते हैं, जैसे मैंने 12:10 डालना मेरे को, तो पहले 12 डालोगे, इसके बाद कॉलन लगाओगे और उसके बाद 10 डालोगे, एंटर करोगे, 12:10:00 आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे 10:12:14, ठीक है। अगर आप 12 से पहले का टाइम डालोगे तो AM मिलेगा 12, या फिर इसके बाद का डालोगे तो PM मिलेगा। जैसे मेरे को शाम के 8:10 दिखाना है, तो मेरे को यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 20:10, एंटर करोगे ये PM का दिखाएगा। इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से जाना मोर नंबर फॉर्मेट में जाना, यहाँ से आप फॉर्मेट ले सकते हो अलग। जैसे अभी जो अप्लाई ना ये वाला है, यहाँ पे क्या है, आवर है, मिनट है और सेकंड है। मान लो आपको ये वाला चाहिए, इसको चूज़ करके ओके कर दिया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10:20, एंटर किया, आपकी बार सेकंड नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। वैसे जाओगे नेक्स्ट है परसेंटेज।
मान लो मेरे को ना यहाँ पे कोई भी नंबर डालने हैं मगर परसेंट पे डालने हैं, सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दो या फिर यहाँ से जाके परसेंट पे क्लिक कर दो, दोनों सेम है। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप नंबर लिखोगे ना वो परसेंट में आएगा, सर 2%, 3%, 5%, 10%। डेसिमल के बाद जीरो भी आ रही है, मेरे को जीरो नहीं चाहिए, यहाँ से हटा दो। हाँ, और जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिख रखा है पहले से, 500 है, 600 है, 700 है, 720 है, परसेंट का मतलब क्या था, जैसे इसका परसेंट निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। हाँ, तो इसको ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 1/2, 3/2, मतलब बट्टे वाली संख्या को बोलते हैं फ्रैक्शन। आप यहाँ पर ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर 0.2 लिखा, ठीक है, एंटर किया। अगर 0.2 को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से जाके आप फ्रैक्शन कर दो, 1/5 लिख लो या फिर 0.2 लिख लो, एक ही बात होती है। नेक्स्ट इसके बाद साइंटिफिक। जैसे ये नंबर है ना साइंटिफिक में है, जिसमें ई आता है, अगर आप कोई भी बड़ा नंबर लिखते हो ना ऑटोमेटिक वो साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देता है, मगर आप कोई भी छोटा नंबर लिखते हो तो उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट नहीं कर रहा। अगर चाहिए तो यहाँ से जाके इसको साइंटिफिक कर देगा, ठीक है। अब लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1/4, यहाँ पे 001 लिखा था, प्लस 914 लिखा था, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जाना, स्क्रॉल डाउन करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर। अब यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना वो चेंज नहीं होगा, जैसे पहले और था चेंज, जैसे कितना भी बड़ा नंबर लिख लो यहाँ पे, एंटर करो, नहीं होगा चेंज, 0001111 0 गायब नहीं होगा, ठीक है। जो आप लिखोगे वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 1/4 मैंने लिखा था, डेट में उसने कन्वर्ट कर दिया था, अब देखो 1/4 ही लिखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला, इससे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख रखा है 10,250, ठीक है। आपने देखा होगा अमाउंट में क्या करते हैं, जैसे 10,250 लिखा हुआ है तो 10 के बाद कोमा लगा देते हैं, है ना, वो एक कोमा स्टाइल है, इस पर क्लिक कर देना कोमा में आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 जीरो भी आ जाती है, चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है। ऐसे कितना भी बड़ा नंबर हो इस पर आप लगा सकते हो, जैसे अभी इसको पढ़ने में दिक्कत होगी मगर जब कोमा लग जाता है तो आराम से पढ़ सकते हो ऐसे, 4,65,465। नेक्स्ट है, मान लो इसके आगे आपको कोई भी करेंसी का सिंबल लगाना है, डॉलर का लगाना है, रुपीज़ का लगाना है, या फिर कोई भी सिंबल, तो क्या करोगे इसमें लाना, यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स मिल जाएंगे, जैसे यूरो है, चाइनीज़ है, डॉलर है, ठीक है, पाउंड का होता है, पाउंड का नहीं होता, और कुछ होता है, मतलब जो भी आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हो। अब रुपीज़ का मेरे को लगाना है, यहाँ पर रुपीज़ का तो है ही नहीं, इसमें मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस, मतलब डॉट के बाद कितनी जीरो चाहिए वो ले सकते हो, मेरे को एक भी जीरो नहीं चाहिए, आप यहाँ से हटा दो। सिंबल में आपको कौन सा सिंबल लेना है, यहाँ पे आपको सारी करेंसीज के सिंबल मिल जाएंगे, रुपीज़ दिख रहा है रहा, इस पर क्लिक कर देना, जिसे इसमें तो यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आपके में ना दिखे, तो इसको ना स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ढूंढ लेना कहाँ पे है, सारे मिल जाएंगे, जैसे ये रुपीस का, रुपीस नेपाली है, नेपाल का, ऐसे आपको इंडिया का मिल जाएगा इसमें, ठीक है। एक तो ऐसे करके रुपीस लिखते हैं, दूसरा आर एस करके लिखते हैं, है ना, हाँ आर एस करके लिखते हैं, वो भी इसी में आपको मिलेगा, जहाँ पे भी फाइंड करके उसको चूज करना और ओके कर देना, वो रुपीस का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा, जैसे पीछे आ रहा है आगे भी आता है, इसी पे जाओगे, यहीं से जाना है, यहाँ पे फाइंड कर लेना कहाँ पे है वो, आगे समझ में, इतना करोगे सभी आप, ठीक है। नंबर वाला और पहले का जो भी रह रहा है इसकी प्रैक्टिस कर लेना।